हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी विकास। जैसा कि आज का टाइटल आपने देखा होगा, शिमला एंड नारकंडा की कुछ यादें। जी हाँ, आज मैं आपको अपने शिमला और नारकंडा की कुछ यादों के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। चलिए अब दिखाती हूँ। यह है शिमला जाने टाइम का, जब हम जा रहे थे, बाहर का व्यू और कैब में गाने चल रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। सच मानिए ऐसे में तो मतलब बाहर का लोकेशन भी अच्छा और कैब में गाने भी अच्छे चल रहे हों तब तो मज़ा ही आ जाता है। ये अब हम शिमला पहुंच गए, उस टाइम का है, रिज का है। अगर आप शिमला जाएं तो रिज ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जाके। तो बहुत एक अट्रैक्शन सा है वहाँ पे, जाने के बाद आपको लगेगा बस वहीं पे ही बैठे रहें। और यहाँ के डॉगी के बारे में क्या बताऊँ, इतने साफ़ सुथरे धुले हुए रहते हैं ना। और ये अब हम नारकंडा के रास्ते में हैं। अगर आप शिमला जाएं तो नारकंडा ज़रूर जाएं, यहाँ का आप सीन देख सकते हैं। इतना अच्छा व्यू था कि मेरा मन कर रहा था, मन क्या कर रहा था, मैं बस देखे ही जा रही थी सीन और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी कुछ सीन। अगर आप शिमला जाएं तो नारकंडा ज़रूर जाएं, अगर स्नोफॉल ज़्यादा ना हुआ हो तो, और अगर रास्ते ब्लॉक ना हो तभी जाएं। पर अगर स्नोफॉल ज़्यादा हुआ हो तो रिस्क ना लें। ये है शिमला के, सॉरी नारकंडा के रास्ते की। थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ था उस टाइम, ज़्यादा तो नहीं हुआ था पर थोड़ा हुआ था। और ये रास्ते, पहाड़ी रास्ते, सच मानिए मतलब पहाड़ी रास्तों पे मुझे लगता है ड्राइविंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे उन्हीं ड्राइवर को ड्राइविंग करना चाहिए जो एकदम ट्रेंड है और प्रोफेशनल है। वो मेरा एडवाइस है कि अगर आप ट्रेंड ना हो, प्रोफेशनल ना हो तो पहाड़ी इलाकों पे ड्राइविंग ना करें, रिस्क ना लें, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको घूमना हो तो ड्राइवर को लेके आएं जो प्रोफेशनल और ट्रेंड हो, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कब कौन सी गाड़ी आ जाए पता ही नहीं चलता है, एकदम चौकन्ना रहना पड़ता है। पर मैं जो कैब बुक की थी जिस ड्राइवर को, वो बहुत अच्छे थे और बहुत प्रोफेशनल थे, बहुत ट्रेन थे, बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं रास्ते कितने खतरनाक रास्ते हैं, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो जान ही निकल जाती है। जैसे रुई की चादर बिछी हो थोड़ी थोड़ी जगह पे। ये हम नारकंडा पहुंच गए हैं और यहाँ पे स्नोफॉल था तो मैं कुछ एंजॉय किया, बड़े के साथ एंजॉय किया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं। आप सभी जानते हैं कि ऐसे लोकेशन पे लड़कियां जाएं और फ़ोटोज़ क्लिक ना करवाएं ये तो हो ही नहीं सकता, तो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं। और ये बहुत ठंड लग रही थी तो जाते जाते हमने आग भी सेक लिया और एक अंकल थे बहुत अच्छा चाय पिला है। अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएँ। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखें। और अगर आपको वो वीडियो भी अच्छी लगी हो तो मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।